खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर लव मैरिज करने वाले युवक के अपहरण मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। अपहरण युवक से अनहोनी की आशंका के बीच पुलिस ने उसे सकुशल बरामद करते हुए अपहरण के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 नाबालिग हैं, उनको निरुद्ध किया गया है, जबकि शेष 6 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल कार, 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि अपहरण के आरोपियों का सहयोग करने वालों तथा उनके शरण देने वालों के बारे में पड़ताल की जा रही है। और मेरा पति 16 तारीख को किडनैप हो गया था, 4 दिन हो गए। आज 5वें दिन सुबह 6 बजे पुलिस ले आई। पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया का भी बहुत धन्यवाद। उनकी कोशिश से आज मेरे पति सही सलामत वापस आ चुके हैं जी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पुलिस अभी तक तो मिले हैं जी, जैसे सही है, अच्छा है। कार्रवाई तो जी होनी चाहिए। मानगढ़ से अजय कुमार नाम के एक युवक का कुछ लोगों के द्वारा अपहरण किया गया। जैसे ही इस बाबत सूचना पुलिस को मिली तो पूरे शहर में नाकाबंदी कराई गई, ग्रामीण एरिया में नाकाबंदी कराई गई। अपहरण को उसके ही ससुर ने अपहरण करके और ससुर के कुछ परिजन उसको यहाँ से स्कॉर्पियो में डाल करके ले गए, और उनके साथ में एक जो अपहृत व्यक्ति था उसके मामा ससुर जो थे वो टैक्सी ड्राइवर थे। उनके द्वारा, चूँकि टैक्सी ड्राइवर थे तो उनको कच्चे रास्तों का ज्ञान था, तो इन्होंने पूरे रास्ते कच्चे रास्तों का उपयोग किया, जिसके कारण ये नाकाबंदी में कहीं भी चेक नहीं हो पाए। अगली खबर अलवर से है, जहां पर कस्बे के संस्कार वैली स्कूल में पतंजलि योग समिति रामगढ़ द्वारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई है। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी, रामगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, भाजपा रामगढ़ नेता मनीष गर्ग, राम अवतार सिंघल संस्कार वैली स्कूल के डायरेक्टर मुरारी लाल दैया रहे हैं। वहीं योग शिक्षक संतोष चौधरी व युवा लोकेश कुमार की द्वारा योग संबंधित आसन कराए गए हैं। योग से क्या क्या फायदे हैं, उन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। कार्यक्रम का मंच संचालन सेवानिवृत्त अध्यापक अजीत प्रसाद जैन द्वारा किया गया। योग शिविर में करीब 200 महिला पुरुषों के बच्चों ने भाग लिया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर शोरूम में खरीदारी करने पहुंचे एसआई से सेल्समैन ने पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, सेल्समैन से गाली गलौज करते हुए हाथ पकड़कर शोरूम से बाहर खींच लाया। मारपीट करते हुए जबरन गाड़ी में बैठाया और थाने ले गया, यहां लाकर मारपीट की और बैठा दिया। वहीं जिले के जंक्शन सिटी थाना क्षेत्र में एसआई की यह करतूत शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घटना का वीडियो सामने आने और व्यापारियों के विरोध के बाद एसपी ने एसआई को लाइन हाजिर कर दिया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ ने कलेक्ट्रेट के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व धरना स्थल पर आयोजित सभा में किसानों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेता सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि किसानों के कृषि लोन माफ करने, किसानों की भूमि कुर्की व नीलामी बंद करने, कृषकों पर 10 घंटे लगातार बिजली देने, भाखड़ा इंदिरा गांधी नहर में पूरा सिंचाई पानी देने, किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की मांग की गई है। बिजली जो हमारे ट्यूबवेल चलते हैं उनको पूरा